अपने पिता राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में बदलाव की अटकलबाजियों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन एकजुट होकर सरकार चला रही है और उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से डिप्टी सीएम के नाते हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ आना भाजपा को पसंद नहीं है, इसलिए भाजपा के द्वारा महागठबंधन सरकार पर प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उसे जल्द ही सुलझा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को सीट शेयरिंग मुद्दा सुलझा लेना चाहिए, उसके बाद महागठबंधन सरकार पर कुछ बोलना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार द्वारा एनडीए में जाने के तमाम अटकलबाजियों पर उन्होंने विराम लगाते हुए कहा कि इसमें कोई जमीनी हकीकत नहीं, केवल हवा में तीर चलाया जा रहा है। अरे भाई, हम लोग सरकार में हैं, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग का तो लगातार मिलना रहता है, तो सरकार के काम काज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई, और आप लोगों को तकलीफ किस बात की? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, एक एक करके जो वादे किए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया है। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, आईटी पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। हम मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानी और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं, हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही है। कुछ लोग सर अभी से ही बदलाव बदलाव हल्ला किया जा रहा है, कौन बदलाव होगा? अरे भाई, आप लोग को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन 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 अरे भाई, अफसोस है, अफसोस होता है, आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं, और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी, और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना, और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं, तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर। अरे भाई, चिंता नहीं कीजिए, सीट से आप लोग कब कर लेंगे? आप एक एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पर बिहार में चुनाव लड़ रही है, एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है, आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे, जदयू लड़ेगी जहाँ वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं, हम जदयू के साथ है, जदयू हमारे साथ है, मजबूती के साथ ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया, आप लोग बहुत जानकार हैं, क्या ऑफर है ये बता दीजिए। अमित शाह ने दरवाजा खोल दिया, तेजस्वी जी, अमित शाह ने कहा आप ही लोग को बता के खोले होंगे, उन्होंने ये आप लोगों का काम है, आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए, नहीं ऑल इज वेल, लेकिन 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 एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी अरे आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है, आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से, हमेशा के साथ सर थोड़ा आगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं।